अ वेसल और वॉल्यूम गिवन, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है, कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दो गैसेस हैं. टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज गिवन, फाइंड इट्स प्रेशर. एक सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लगाना है पी वी इक्वल टू एन आर टी. एक बार ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल पता है, टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर आ गया. एक बार लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, नंबर ऑफ मोल उसके डिफरेंट है, प्रेशर आ गया. टोटल प्रेशर क्या होगा दोनों का, सम हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू हो जाएगा. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है यहाँ तक. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. वॉल्यूम गिवन है 2000, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन एंड प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल एंड मास भी गिवन है. कैलकुलेट मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो आपको ना वॉल्यूम गिवन है मिक्सचर का, टेम्परेचर और प्रेशर भी गिवन है, पी वी टी तो गिवन ही है, और आपको टोटल मास गिवन है. इस मास में से कुछ मास हाइड्रोजन का होगा, कुछ ऑक्सीजन का होगा, और आपको बताना है कितना कितना होगा. सबसे पहले हमें काम करेंगे इसमें कि जो टोटल प्रेशर है, हमें क्या गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है. टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होता है. फर्स्ट गैस का इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से एन आर टी बाई वी. सेकेंड गैस का एन आर टी बाई वी. टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं सेम, दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स एन वन एन टू लेके ये वैल्यू आ गई. आप इसमें टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है, आपको मिक्सचर का गिवन है, दोनों गैसेस का गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, आर पता है, टेम्परेचर गिवन है. तो यहां से सारी वैल्यू पुट करके क्या आएगा, एन वन प्लस एन टू. ये पॉइंट क्लियर है. तो नंबर ऑफ मोल्स एन वन एन टू है, दोनों का सम आपके पास आ गया. ये स्टेप सबको क्लियर है, क्योंकि टोटल प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब मेरे को ये चीज पता है कि मिक्सचर का मास कितना गिवन है, 0.76 ग्राम. अब मास मोल से कैसे निकलेगा, मोल्स पहले गैस के एन वन है और पहली गैस जो है वो 2 ग्राम पर मोल उसकी वैल्यू है और दूसरी जो गैस है ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मोल कैंसिल तो ग्राम्स आ जाएंगे. तो इनको सॉल्व करेंगे तो एन वन एन टू की एक और रिलेशन आ गया. टोटल मास गिवन है, मोल्स की फॉर्म में मास आ गया, तो यहां से एक और इक्वेशन आ गई एन वन एन टू की फॉर्म में. पीछे वाली इक्वेशन एन वन एन टू की फॉर्म में, ये इक्वेशन एन वन एन टू की फॉर्म में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एन वन एन टू आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए पर हमें तो मास निकालना है. तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो पहली गैस के लिए 2 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी गैस है, नंबर ऑफ मोल सेकेंड गैस के आ गए, 32 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी गैस है. तो गैस का मास भी आ जाएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, केमिस्ट्री आपको आती है. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज. ये क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते हैं. मर्करी मैनोमीटर फिगर कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल आर्म्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 150. शुरू में यहां पर मर्करी नहीं है, वो बोलता है अनइक्वल है ये, इसकी लेंथ 50 है टोटल, इसकी लेंथ 100 है और एरिया 1 एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, द टू ओपन एंड्स आर सील्ड विद एयर, बंद कर दिया हवा से, हवा को इसमें, एट अ प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. कह रहा है कि यहां पर प्रेशर, अभी मरकरी नहीं है ये, तो चलो फाइनल डायग्राम इसने बनाया है, अभी मरकरी नहीं है, उसने कहा कि यहां का टोटल प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, मरकरी बिना डाले एयर का प्रेशर बता रहा है, और यहां पर भी टोटल प्रेशर 80 सेंटीमीटर के हिसाब से है, दोनों में क्या है एग्जैक्टली सेम है. अब वो क्या करेगा, मरकरी डालेगा. उसने कहा कि नाउ सम अमाउंट ऑफ मरकरी इज इंट्रोड्यूस्ड, तो प्रेशर की वैल्यू पहले एयर की दोनों में सेम थी, मरकरी डाल दी, एक में कम डाली एक में ज्यादा डाल दी. इसमें कितनी डाली, 10 सेंटीमीटर की, इसमें कितनी डाली, एल नॉट की. ठीक, अब इससे क्या हुआ कि मरकरी 10 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि ये एल नॉट किसके इक्वल होगा. मरकरी कह रहा है अनइक्वल ट्यूब्स हैं, तो एल नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी, ये आपको बताना है. कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पहले हवा थी फिर मरकरी आ गई, तो जो हवा है उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल रिमेन सेम, क्योंकि आप उसका वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो हवा की, तो उसका प्रेशर विल इंक्रीज.
ठीक है यहां तक? तो P into V का प्रोडक्ट इस हवा वाले पोर्शन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल पहला केस, पहले केस, पहले मान लो मरकरी नहीं थी इसमें, तो P into V कांस्टेंट लगेगा। छोटी वाली आम में प्रेशर कितना था? 80 सेंटीमीटर का था और इसकी लेंथ कितनी थी? टोटल 50 थी, तो P into V। इसमें HROG पुट करना चाहिए इसको, 80 into डेंसिटी into G। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर और यहां पर इक्वेट करेगा P into V का प्रोडक्ट, तो रोजी रोजी क्या हो जाएगा? कैंसर। तो प्रेशर को सेंटीमीटर में रखा हुआ है इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए। तो प्रेशर 80 सेंटीमीटर का है, लेंथ पहले अभी मरकरी डाली नहीं है, पहले लेंथ कितनी थी? 50 थी। अब क्या किया आपने? मरकरी डाल दी तो प्रेशर कितना हो गया? P1। और लेंथ कितनी रह गई? ये 50 है, 50 में से 40 गया, 10 गया तो 40, 40। ये स्टेप समझ में आ रहा है? आप कहोगे लेंथ क्यों? एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, इसका वॉल्यूम पुट कर लो, एरिया दोनों में एग्जैक्टली सेम है। यहां भी एरिया, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होता है, लेंथ इनटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसर। तो सीधा इसे लेंथ ही पुट कर दी। समझ में आया कैसे? ठीक। तो पहले प्रेशर 80, लेंथ 50 थी, अब प्रेशर P1, लेंथ 40 है। यहां से P1 की वैल्यू आ गई आपके पास। सेम स्टेप सेकेंड ट्यूब के लिए भी लगेगा। पहले प्रेशर 80 लेकिन लेंथ कितनी थी? 100 थी, 100 इनिशियल। फाइनल प्रेशर कितना हो गया? P2। तो ये लेंथ की वैल्यू क्या रह गई? टोटल 100 है, 100 में से L नॉट गया तो 100 माइनस L नॉट। ठीक है यहां तक? तो दोनों ट्यूब्स का इनिशियल फाइनल, दोनों ट्यूब्स का इनिशियल फाइनल, ये वैल्यू आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये सेम इक्वेशन है, फिर से लिखी हुई है, सेम है 1 एंड 2। अब जो P1 है वो P2 प्लस L नॉट माइनस 10 है। इसको प्लीज एक बार देखें, इमेजिन करें कि एक लाइन यहां से जा रही है ऐसे, यहां का और यहां का प्रेशर विल रिमेन सेम। यहां प्रेशर P1 तो यहां पर भी P1, यहां का प्रेशर P1, ऊपर का प्रेशर P2 प्लस यहां मरकरी का प्रेशर। तो ये लेंथ कितनी है? P2। यहां प्रेशर कितना है? P2 प्लस ये लेंथ कितनी बचेगी? ये कितनी है? L नॉट। L नॉट में से 10 गया तो क्या आया? L नॉट माइनस 10। ठीक। तो ये स्टेप समझ में आया कि ये जो वैल्यू कैसे लिखी, P1 इज P2 प्लस L नॉट माइनस 10। लाइन खींच के ड्रॉ कर दिया। अब P1 की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की हुई है 100, P2 हमें पता नहीं अभी, L नॉट माइनस 10। तो यहां से क्या निकाल लिया हमने? P2 निकाल लिया। इस P2 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, 80 इंटू 100 8000। P2 की जगह पुट करो 110 माइनस L नॉट माइनस 100 माइनस L नॉट। क्वाड्रेटिक बना के L नॉट के लिए सॉल्व करो, आंसर आएगा। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ज्यादा है बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि P इंटू V इज अ कॉन्स्टेंट का कौन। अब P1 को ऐसे लिया, इसको एक लाइन इंट्रोड्यूस की, P1 यहां से इंट्रोड्यूस करके यहां की प्लस यहां का प्रेशर P1 है, तो ये पॉइंट भी P1 है, ये P1 है जो किसके इक्वल होगा, ये लेंथ कितनी आएगी? L नॉट माइनस 10 प्लस P2। ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है कैलकुलेट। ठीक। तो इसमें नेक्स्ट क्या करना है? 20 हो गए। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू।